हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे तुला राशि के जातकों के बारे में कि जो तुला राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आपकी माली हालत कैसी होगी, व्यापार से लाभ मिलेगा या राजनीति के क्षेत्र में कुछ करने वाले हैं, आपके घर में आज सहनाई बजेगी या किलकारी गूंजेगी, ये सब भी बताएंगे। रोग और शत्रु कैसे रहेंगे ये भी बताएंगे। और आज आपको कोर्ट कचहरी से क्या लाभ होने वाला है, सारी बात आज हम आपको बताने वाले हैं। आपको ये भी बताएंगे कि सावधानियां क्या बरतनी है, उपाय क्या करना है और आज आपके लिए शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा, ये सारी बात आज हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आता है तो आप वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आपके मन में ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है, प्रश्न है, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका भाग्य कैसा है, तो आप क्या करें कि इनबॉक्स में जाएं, अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके भेजें और अपना प्रश्न लिखें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में। तो जो तुला राशि के जातक हैं, आज का दिन आपके लिए काफी बेहतरीन है। आज आपको चारों तरफ से गुड न्यूज मिलेंगे, आपका भाग्य साथ देगा, अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर चल के आएगी। जरूरत है उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की, अपनी मनस्थिति को ठीक करने की। आज सुख में दुख तलाशने की जरूरत नहीं है, आज आपको सुखी रहने की जरूरत है। आप कई बार सुख में दुख तलाश लेते हैं, जो आपके लिए अच्छी साइन नहीं है ये। तो समय अच्छा है, समय का सदुपयोग करें, अपने मन को प्रसन्न रखें, पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव करना आपके लिए बेहतरीन होगा। यदि आप कंस्ट्रक्शन, माइंस या निर्माण के क्षेत्र में अगर आप पूंजी निवेश करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपकी माली हालत अच्छी होगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे, दूर देश की यात्रा होगी और आज आपको सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलेगा, सरकार से लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में किसी प्रकार का किया गया प्रयास आज आपको सार्थक मिलेगा। यदि आज आप UPSC के लिए या किसी बड़े प्रतियोगी परीक्षा के लिए, कॉम्पिटिशन के लिए या कोई बड़े कार्य के लिए अगर आपने प्रयास किया है तो उसमें आज आपको सफलता मिलेगी। माली हालत अच्छी होगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे, दूर देश की यात्रा का योग बन रहा है और नए तरह के कार्य से मन आपका प्रफुल्लित रहेगा। और ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई बात बहुत ज्यादा उत्तेजना में नहीं करनी है, गुस्सा पर कंट्रोल करना है, जो बात आपको अप्रिय लगे उस तरह की बात दूसरों के साथ नहीं करना है। अपने मन वाणी पर नियंत्रण रखें। यदि आप लेखक हैं, साहित्यकार हैं या फिल्मकार हैं तो आज का दिन आपके लिए राइटिंग वर्क के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप करेंगे तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। आज आपकी संततियों की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा और विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है, विदेश से कुछ नए कार्य करने का भी योग बन रहा है और नई तरह के कार्य होने से मन प्रसन्न रहेगा। विभिन्न प्रकार के क्षेत्र से धन अर्जन का भी योग बन रहा है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि अपनी गोपनीयता बरतनी है और खान पान पर नियंत्रण रखना है। उपाय क्या करना है, आज आपको क्या करना है कि कोई भी काम बिना सोचे समझे ना करें, उसको थोड़ा सा सोच परख के करें, जो आपके लिए हो, जो आपके इंटरेस्ट का हो। और आज आपके लिए शुभ अंक है 6, अशुभ रंग है 3, ग्रीन। हरे कृष्ण।